और वहीं बांदा के तिदवारी विधानसभा से पूर्व विधायक दलजीत सिंह ने मौखर बाईपास का कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। हवन पूजन के विधि विधान के साथ कैंप कार्यालय में भारी संख्या में मौजूद समर्थकों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर दलजीत सिंह आगामी चुनाव को लेकर के खासा आत्मविश्वास से भरे दिखे। साथ ही पुनः विधायक बनने पर किसानों की लो वोल्टेज और गौशाला समेत अन्य पशुओं की समस्याओं को दूर हाल में दूर करने का दम भी भरा। वैसे तो मैं 1 सितंबर से शुरू हो गया था, लेकिन जो मेरा पहले कार्यालय है वो एक तो बांदा विधानसभा क्षेत्र में आता था, तो अब परमिशन होने में दिक्कत हो रही थी और छोटा भी था, आगे सड़क में गाड़ियां खड़ी रहती थी तो लोगों को असुविधा हो रही थी। तो ये नया कार्यालय आज से जो है शुरुआत हुई है, तो आपके माध्यम से मैं समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि मैं यहीं 24 घंटे यहीं उपलब्ध रहूँगा। और वैसे मैंने बोर्ड भी लगवा दिए हैं वो जो है, और चुनाव मैंने 2022 अपने नाम से होर्डिंग लगा के और तैयारी शुरू कर दी है। क्या माना जा रहा है, किस पार्टी से आप चुनाव में? पार्टी अभी तय नहीं है, लेकिन ये तय है कि मैंने लोगों की मंशा समझी है। तो लोगों की जो भावनाएं इस समय है, तो कोई कहता है भाजपा से, कोई सपा से, बाकी नहीं कोई कहता, या तो कहते निर्दलीय लड़ लो, मतलब लोगों की भावना। मैंने अभी अपनी कोई रणनीति नहीं तय की, लेकिन लोगों का यह है कि या तो भाजपा सपा या तो फिर निर्दलीय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNews।